मैं फरहान इंडियन मीडिया बुक से और आज मैं बैठा हूँ मैडम हुस्ना शरीफ साहब के साथ और उनसे कुछ उनकी जो ट्रस्ट है जो स्कॉलरशिप लोगों को जो मदद करें उसके बारे में हम जानकारी हासिल करने की कोशिश करते हैं कि ये पूरा ऑर्गेनाइजेशन कैसे काम करता है। आपका बहुत बहुत शुक्रिया टाइम देने के लिए। आपका ये जो ऑर्गेनाइजेशन है जो बच्चियों को आप स्कॉलरशिप देते हैं कितना पुराना है? आपका बहुत शुक्रिया जो आपके जो इंटरव्यू ले रहे हैं। हमारा जो इदारा है ये 42 इयर्स ओल्ड है और जब ये इदारा शुरू हुआ मैं नहीं थी और डॉक्टर सादतुनी साफा वो लेडी थे जो नहीं है, उन्होंने स्टार्ट किया सिर्फ 5 बच्चों के साथ और मैं 32 साल पहले ज्वाइन थी और उस वक्त 250 बच्चों को स्कॉलरशिप दी जा रही थी। इसके बाद मैंने सोचा इसको आगे बढ़ाएंगे तो अल्हम्दुलिल्लाह अल्लाह ने मुझसे तमाम मौके भी फराहम किए कि हम बच्चे ज़्यादा से ज़्यादा आने लगे और उनमें तालीम हासिल करने की अवेयरनेस आई तो वो भी कुछ बनना चाहते थे, पहले जाके बुलाना पड़ता था बच्चे खुद से और ज़्यादा से ज़्यादा जमाशियाँ आ गए। पिछले कई सालों से हजारों की तादाद में आते हैं बच्चे। लास्ट ईयर में हमने 1.5 स्कॉलरशिप 3,600 बच्चों के लिए दी है। इस साल भी हम स्कॉलरशिप 1.5 3,800 को देते हैं। तो ये किस ग्रेड जब बच्ची हमारे पास यूसी पहुँच जाती है तो जितना वो पढ़ती है हम उसे पढ़ाते हैं, बस वो खत्म करती है तो अब बीच में भी दूसरे बच्चे आते हैं पीयूसी बीकॉम बीए डिफरेंट कोर्सेस मेडिकल है इंजीनियर है प्रोफेशनल है ये तमाम कोर्सेस हम स्कॉलरशिप देते हैं। तो बेसिकली 12th के बाद जो बच्चे पढ़ना चाहते हैं आगे और उनको पैसे की जरूरत हो तो आपके ऑर्गेनाइजेशन से आके एक रिक्वेस्ट कर सकते हैं। तो उनको जो ऑर्गेनाइजेशन से आके रिक्वेस्ट जब करेंगे तो उनके अंदर क्या मतलब कैसे आप तक पहुंच सकते हैं? हम कैसे नहीं कर सकते क्योंकि नंबर ज्यादा है, हम पेपर में ऐड करते हैं। अच्छा। और हम उनको सेलेक्ट करते हैं मेरिट के हिसाब से क्योंकि इसमें कोई पीछे ना रह जाए तो अच्छे जो भी बच्चे आते हैं उनकी मेरिट के हिसाब से हम सेलेक्ट कर लेते हैं। तो जहाँ लगता है कि बच्चियों के अंदर पोटेंशियल है और ये अच्छा कर सकते हैं एंड दे हैव टेकन गुड मार्क्स जी सो अकॉर्डिंग टू दैट वी टेक द स्टूडेंट्स। अच्छा। तो इस साल तकरीबन कितने लोगों को दिए? इस बार 3,800 स्टूडेंट्स को हमने स्कॉलरशिप। अच्छा। तो इनकी पढ़ाई कहाँ तक चलेगी? जहाँ तक वो पढ़ना चाहेंगे हम पढ़ाएंगे। अच्छा। वो पीयूसी को भी जाने हो सकते उसके बाद पास होके अगेन दे अप्लाई अगेन बी अडॉप्टेड। जब थोड़े बच्चे छोड़ देते हैं वो अलग बात है, जो और बच्चे भी आते हैं जहाँ तक पढ़ना चाहे पढ़ाते हैं। तो ये जो बच्चे आते हैं ये सिर्फ कर्नाटका से हैं या ऑल ओवर इंडिया? नहीं सिर्फ कर्नाटका से। ठीक है। और कुछ आप अपने बच्चों को और लोगों को कुछ नसीहत देना चाहेंगे कि पढ़ाई का कितना इम्पोर्टेंस है? अभी अभी मैं यही बताई कि जिंदगी में इल्म की बहुत जरूरत है। हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने जो पहली आप पे आयत उतरी वो इखला के पढ़ना इल्म के बारे में, तो इल्म जो है हर मुसलमान के लिए जरूरी है, हम इसे भूल चुके हैं। जब तक हम इल्म हासिल कर रहे थे अल्लाह ताला ने दीन का और दुनिया का अल्लाह ताला ने हमारा मकाम भी अलग रखा था। बाद में ऐसा वक्त आया कि आजकल हमारा परसेंटेज बहुत कम है तालीम के मैदान में और ये जो तालीम की कमी से बहुत से गलतियाँ बहुत से चीज़ें तकलीफें भी होती हैं, हम वो अवेयरनेस लाना चाहते हैं। माशाल्लाह अब जो बच्चे हैं जो मोहल्लों में वो भी काफ़ी होशियार हो गए हैं, सब लोग पढ़ना चाहते हैं तो हम चाहते हैं कि जो पूरे बच्चों को तो नहीं ले सकते जो अच्छे मार्क्स के बच्चे हैं उनको हम ले लेते हैं। और तो बेसिकली जो लोग स्कॉलरशिप देते हैं तो आप मेरिट के ऊपर देते हैं, दूसरा जो उनका बैकग्राउंड बेसिकली है किस टाइप के लोग ज़्यादातर आते हैं? गरीब लोगों के लिए ये स्कॉलरशिप से जो लोग जो अफोर्ड नहीं कर सकते उन लोगों के लिए। तो नहीं बेसिकली मैं ये जानना चाहता हूँ किस तबके के क्या ऑटो चलाने वाले लोग हैं? हर तबके या हर तबके जो भी उनकी आमदनी जो भी है फिक्स्ड इनकम जी वो जो भी वो इनकम के
नीचे आते हैं उनको सब हम ले लेते हैं, ऑटो ड्राइवर्स, टैक्सी ड्राइवर, जो भी है, घरों में काम करने वाली औरतें हैं, उनको जो भी बच्चे आते हैं हम उनको अडॉप्ट करते हैं। तो अभी तक जो आप इतने दिनों से चला आ रहे हैं, कोई बच्चे ऐसा है जो डॉक्टर इंजीनियर बन चुके? माशाल्लाह काफी, और वो हमारे से कॉन्टेक्ट भी रखे हैं, डॉक्टर्स, इंजीनियर्स, और बाहर के मुल्कों में भी काम कर रहे हैं, माशाल्लाह रिसर्च कर रहे हैं। बहुत खुशी होती है सुनकर। तो बहुत खुशी होती होगी जब आपके बच्चे आपके सामने नजर आते हैं कि आप लोगों के मेहनत से डॉक्टर और इंजीनियर बन गए। माशाल्लाह बहुत खुशी होती है। आपका बहुत बहुत शुक्रिया टाइम देने के लिए और ये जानकारी देने के लिए। थैंक यू सो मच। थैंक यू।